चलो, अस्सलाम वालेकुम वीर। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज सोचा आपकी मुलाकात अयान से करा दें, जिसका 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो हादसा तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अयान खैरियत से है और खैरियत से कल घर वापस आ गया हॉस्पिटल से। ये सब आप सब भाइयों दोस्तों की दुआएं, जो इसको माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी, नई जिंदगी दी, शुक्र अल्लाह पाक का। बस हम लोग शूटिंग करके घर वापस आ रहे थे, तो सोचा कुछ मार्केट से कुछ चीज़ें ले ली जाएँ। हमारी बिल्डिंग से, हमारे फ्लैट से रोड की दूसरी तरफ थी स्टोर था बड़ा। तो अयान ने कहा, जी मैं बस अब थक गया हूँ तो घर जाता हूँ। तो हम लोग शॉपिंग के लिए करने चले गए और ये अपने घर की तरफ रवाना हुआ। बस थोड़ी देर बाद फोन आया कि अयान का एक्सीडेंट हो गया है। बस हम वहाँ पहुँचे तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। बस फिर एम्बुलेंस वाला आ गई, उन्होंने इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया, हॉस्पिटल ले गए इसको, वहाँ इसका मुकम्मल चेकअप हुआ। ये अयान के साथ साथ हम लोगों के लिए भी काफ़ी मरला मुश्किल था। एक तरफ ये अपना चोटें, अपने दर्द तकलीफ से लड़ रहा था, हम लोगों के लिए भी मुश्किल मरला था कि हमारे लिए हमारा बच्चा इस कैफियत में था, इस मुश्किल में था, तकलीफ में था। बहरहाल अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, आप दोस्तों का, व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, तमाम फैमिली मेंबर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसके लिए दुआएं की, और उन्हीं दुआओं का नतीजा कि आज माशाल्लाह ये सेहतयाब होके घर है। और जो बाकी इसकी जख्म है, चोटें हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह जल्द रिकवर होंगी। तो बस पोस्ट लगाने का मकसद भी यही था कि आप सबकी दुआएं चाहिए थी इसके लिए। तो बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे व्यूअर्स थे जो इसकी सेहतयाबी का पूछ रहे थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे बहुत। तो हमने सोचा उनके लिए कि पोस्ट लगा दें ताकि उनको इस बारे में मालूम हो जाए कि उसकी तबीयत कैसी है सारा। इंशाल्लाह ताला फिर हम कल लाइव आएंगे तो बकायदा उसमें फिर आपको तफसील से गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। तो इसके ये सर पे लगी थी एक बड़ी चोट जो थी, इसमें 6 टांके लगी हैं इसको। कान इसका ये राइट वाला पीछे से, लेफ्ट वाला कट गया है पीछे से इसका। तकरीबन हफ्ते बाद उन्होंने बुलाया हॉस्पिटल वालों ने, इसका ट्रीटमेंट आफ्टर 1 वीक स्टार्ट होगा। बाकी नाक पे, होंठों पे इसकी चोटें लगी हुई हैं, ठीक है माशाल्लाह, लेकिन अभी प्रॉपर बोल नहीं सकता स्वेलिंग की वजह से। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ होगा, वीडियोस में भी होगा इंशाल्लाह। दो दो एक दिन में हम वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे, ज़रा ये माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे। कुछ दिनों तक ये शायद ना आ सके वीडियोस में, बस इंशाल्लाह ताला जैसे ये रिकवर होगा तो इंशाल्लाह इसको हम फिर अपने साथ लेके आएंगे, आपके सामने होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए आप सबकी मजीद दुआएं दरकार हैं, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त कि इसके लिए दुआ करते रहें बहुत ज़्यादा, ताकि जल्द अज जल्द सेहतयाब हो और माशाल्लाह अपने रूटीन में आए, खेल कूद करे, वीडियोस में आए, आप लोगों के साथ शामिल हो ये भी। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं, इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके सामने होगा, आपके साथ होगा। ठीक है जी, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर अगली वीडियो में या कल लाइव में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, तो खसूसी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।